अगर नाम पढ़ लो प्रकाशित होते हैं प्रभु
रथ यात्रा है, रथ रूपी महोत्सव है। इस रथ यात्रा और रूपानुगत्य का हम लोग जो रूपानु गौड़ीय वैष्णव के रूप में अपना परिचय देते हैं, इस रथ यात्रा और रूपानुगत्य का एक अविच्छेद्य संबंध है। अविच्छेद्य संबंध, ये रथ यात्रा जो उत्सव है ये वास्तव में गौड़ीय वैष्णव का ही विशेष एक उत्सव है। हम लोगों ने इसको अपने गुरु महाराज जी श्री भक्ति विधान नारायण गोस्वामी महाराज जी के मुख से जब हम लोगों ने हरि कथा श्रवण की तब हमको वास्तव में इस बात का आभास हुआ कि वास्तव में रथ यात्रा का और रूपानुगत्य का जो अविच्छेद्य संबंध है वो वास्तव में किस प्रकार अविच्छेद्य संबंध है, ये गुरुपाद पद्म श्री भक्ति विधान नारायण गोस्वामी महाराज जी की हरि कथाओं में ये विचार, ये आदर्श जो है बड़े सुंदर रूप में प्रस्फुटित होता है। विशेष करके इस रथ यात्रा के विषय में स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, अन्य अन्य शास्त्रों में इस रथ यात्रा की बड़ी महिमा गाई गई। बड़ी महिमा शास्त्रों में कहा गया, रथम स्थितम ब्रजन्ति तम महावेदी महोत्सवे ये पश्यन्ति मुदा भक्तया वासस्तेषां हरे पदे। पश्यन्ति माने वर्तमान क्रिया है। जो भी व्यक्ति रथम स्थितम, जो भी व्यक्ति रथ पर स्थित जगन्नाथ जी का ब्रजन्तम तम महावेदी महोत्सव है। महावेदी माने ये रथ रूपी जो महावेदी है और ये जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा रूपी महोत्सव है, इस महोत्सव में यदि कोई केवल जगन्नाथ जी को रथ पर विराजमान दर्शन कर ले, जगन्नाथ जी रथ पर विराजमान है और कोई केवल उनका दर्शन कर ले, ये पश्यन्ति मुदा भक्तया, पश्यन्ति माने वर्तमान क्रिया, ऐसा नहीं कभी पहले किया भविष्य में भी करेंगे ना, वर्तमान क्रिया, जो जब भी जगन्नाथ जी की इस रथ यात्रा में श्री जगन्नाथ जी का रथ पर दर्शन करेगा, वासस्तेषां हरे पदे, उसको साक्षात जगन्नाथ जी के कृष्ण के चरणों में वास प्रदान किया जाएगा, वास की प्राप्ति होगी, कृष्ण के चरण कमलों की उसको प्राप्ति होगी। इतना इस रथ यात्रा का महात्म्य, इतनी इस रथ यात्रा महोत्सव की महिमा हमारे शास्त्रों में गाई गई है। और भी कहा गया शास्त्रों में, सत्यम सत्यम प्रति सत्यम, सत्यम सत्यम त्रि सत्यम, प्रति ज्ञातम द्विजो उत्तम, नाता श्रेय प्रदो विष्णु उत्सव शास्त्र सम्मता। तीन बार सत्य 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 कह के प्रतिज्ञा के साथ में इस बात को कह रहे हैं, नाता श्रेय प्रदो विष्णु उत्सव शास्त्र सम्मता। शास्त्रों में भगवान विष्णु के बहुत सारे महोत्सव बतलाए गए, बहुत सारे उत्सव बतलाए गए, किंतु तीन बार सत्य कहते हुए प्रतिज्ञा करके कह रहे हैं हम जीवों के लिए, नाता श्रेय प्रदो उत्तम श्रेय मंगल प्रदान करने वाला भगवान विष्णु का और कोई उत्सव इस रथ यात्रा के अतिरिक्त नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे रूपानु गुरुवर्गों ने बताया, कृष्ण का प्राण है ब्रजवासी, ब्रजवासियों का प्राण है कृष्ण। इस रथ यात्रा का भाव जो है वो गौड़ीय वैष्णवों के लिए क्या भाव है? कृष्ण को ब्रजवासियों से मिलाने के लिए गौड़ीय वैष्णव जो है वो रथ यात्रा में योगदान करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी भी स्वयं जब जगन्नाथ जी के रथ को खींचते थे तो महाप्रभु जी के मन में क्या भाव हुआ करते थे, कृष्ण लैया ब्रजे जाई ए भाव अंतर। मैं कृष्ण को लेकर राधा जी के भाव में महाप्रभु जी रथ को खींचते और भीतर में उनके अंतर स्थल में उनके हृदय में क्या भाव होते, कृष्ण लैया ब्रजे जाई ए भाव अंतर। मैं कृष्ण को लेकर ब्रज में जा रहा, ये महाप्रभु जी के हृदय का भाव हुआ करते थे। इन भावों को लेकर के गौड़ीय वैष्णव इस रथ यात्रा में, इस रथ यात्रा महोत्सव में योगदान करते हैं। तो यदि कोई कृष्ण का ब्रजवासियों से मिलन करा दे, यदि कोई कृष्ण का ब्रजवासियों से मिलन करा दे, ब्रजवासियों का कोई संवाद दे दे, ब्रजवासियों की कोई वार्ता बतला दे, कृष्ण ऐसे भक्त के प्रति बड़े संतुष्ट हो जाते हैं। देखो इसका प्रमाण श्री सनातन गोस्वामी जी ने बृहद भागवतामृतम में दिया। श्री सनातन गोस्वामी जी कहते हैं, ये उद्धव जी जो हैं,
जिनके विषय में कृष्ण कह रहे हैं, ये उद्धव जी मुझको इतने प्रिय हैं जितना मुझको मेरे भाई संकर्षण, मेरी पत्नी लक्ष्मी, यहाँ तक कि मेरी अपनी आत्मा भी मुझको इतनी प्रिय नहीं है जितना ये उद्धव मुझको प्रिय है। तो श्री सनातन गोस्वामी जी ने विचार बतलाया, हमारे गुरु महाराज जी श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी शास्त्रों के ऐसे सार गर्भित विचारों को, अमृतमय विचारों को अपनी हरि कथा में परिवेशन किया करते थे। गुरु महाराज जी के मुख से ही हमने इन सब विचारों को सुना है, उनका ही अनुकीर्तन करने की चेष्टा कर रहे हैं। इसलिए जो तो किछु बोली सब तहार शक्ति, जितना कुछ भी हम कह रहे हैं वो सब कुछ किसकी शक्ति है? गुरु पार पद्म की शक्ति। गुरु जी ने बड़ी दया करके हमारे समक्ष इन विचारों को प्रस्तुत किया है। तो गुरु महाराज जी बतलाते हैं श्री सनातन गोस्वामी जी की टीका से, ये उद्धव जी कृष्ण को इतने क्यों प्रिय हैं, जिनके लिए कृष्ण स्वयं कह रहे हैं ये उद्धव मुझको मेरे भाई संकर्षण, मेरी पत्नी लक्ष्मी, यहाँ तक कि मेरी अपनी आत्मा से भी अधिक ये उद्धव जी मुझको प्रिय हैं। क्यों क्यों प्रिय हैं? यादों में सर्वश्रेष्ठ है उद्धव जी। क्यों है? वसुदेव जी का वहां पर वचन नहीं आ रहा, वसुदेव जी के विषय में नहीं कहा जा रहा है, देवकी के विषय में नहीं कहा जा रहा, उद्धव जी के विषय में कहा जा रहा है कि ये उद्धव जी यादवों में मुझको सबसे अधिक प्रिय है, सबसे अधिक श्रेष्ठ यादवों में। क्यों क्यों उद्धव जी इतने श्रेष्ठ? क्योंकि उद्धव जी ब्रज में गए थे और प्राय 2-4 मास उद्धव जी ब्रज में रहे, और उद्धव जी ने ब्रज गोपियों की, समस्त ब्रजवासियों की महिमा का तो अनुभव किया ही किया, किंतु विशेष रूप में उद्धव जी ने जो ब्रज गोपियों की महिमा का अनुभव करके ब्रज गोपियों की जो गुणावली उद्धव जी ने गुणगान की श्रीमद् भागवत इत्यादि में, क्या कहा उद्धव जी ने? उद्धव जी कहते हैं, केमा स्त्रियों वनचरी व्यभिचार दुष्टा। बहुत ही ध्यान से सुनने की बात है, उद्धव जी कह रहे हैं केमा स्त्रियों वनचरी व्यभिचार दुष्टा। जगत के लोग क्या कहते हैं इस श्लोक की जब व्याख्या करने जाते हैं ना, जगत के लोग साधारण हैं भागवत वक्ता, वो क्या व्याख्या करते हैं? वो कहते हैं ये ब्रज गोपियां व्यभिचार व्यभिचार दोष में दुष्ट हैं, क्योंकि अपने पतियों को छोड़कर ये कृष्ण के प्रति स्नेह रीति करती हैं। किंतु उद्धव जी हमारे रूपानुग गुरुवर सनातन गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी, चक्रवर्ती पाद हमारे गुरुदेव, उन्होंने वास्तव में उद्धव जी के मन की भावना को जगत में प्रकाशित किया। उद्धव जी क्या कहना चाह रहे हैं? के मा स्त्रियों वनचरी व्यभिचार दुष्टा। अरे ये व्यभिचार दुष्ट में, जो व्यभिचार दोष में दुष्ट हम हैं। उद्धव जी कह रहे हैं मैं व्यभिचार दोष में दुष्ट हूँ, शिव जी व्यभिचार दोष में दुष्ट हैं, नारद जी व्यभिचार दोष में दुष्ट हैं, ब्रह्मा जी व्यभिचार दोष में दुष्ट हैं। क्यों? क्योंकि जैसा प्रेम ब्रज गोपियों ने, जैसा एकांतिक प्रेम ब्रज गोपियों ने कृष्ण से किया, वैसा एकांतिक प्रेम मैं, उद्धव जी कह रहे मैं, नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, हम लोग नहीं कर सके कृष्ण के साथ ऐसा प्रेम। जिस परिमाण में, जितनी एकांतिकता के साथ में ब्रज गोपियों ने अपना हृदय कृष्ण को समर्पित किया है, उद्धव जी कहते वैसा हम नहीं कर सके, मैं नहीं कर सका, शिव जी नहीं कर सके, नारद नहीं कर सके, ब्रह्मा नहीं कर सके, इसलिए हम सब व्यभिचार दोष में दुष्ट हैं। उद्धव जी अपने विषय में कह रहे हैं, हे मां स्त्रियों वनचरी व्यभिचार दुष्ट। अरे हम व्यभिचार दोष में दुष्ट हैं, ये जो ब्रज गोपियां हैं उनकी महिमा का गुणगान करते हो तो उद्धव जी प्रार्थना कर रहे हैं, आसा महो चरण जुषाम श्याम वृंदावन किमपि गुलम दोष दिनाम। अरे मेरा तो सौभाग्य हो कि मैं ब्रज की कोई गुलम, कोई लता, कोई औषधि, कोई घास बन जाऊं जिससे ब्रज गोपियों के चरणों की धूल मुझको मिल जाए। ये विचार हमारे गुरु महाराज जी बतलाया करते थे। इसलिए ये उद्धव जी कृष्ण को इतने प्रिय हैं। इसलिए उद्धव जी क्यों? क्योंकि उद्धव जी ने ब्रज गोपियों की महिमा का अनुभव करके यादवों की पूरी सभा में, समस्त जगत के सामने ये ब्रज गोपियों की, ब्रजवासियों की महिमा का गुणगान किया है, इसलिए कृष्ण ने उद्धव जी को ब्रज में भेजा। तो ये ब्रजवासी कृष्ण को इतने परिमाण में प्रिय है कि उद्धव जी ने ब्रज गोपियों की थोड़ी महिमा गाई तो उद्धव जी कृष्ण को इतने प्रिय हो गए जितने उनके भाई संकर्षण नहीं है, जितनी लक्ष्मी नहीं है, जितनी अपनी आत्मा नहीं है। तो विचार करो ये ब्रजवासी कृष्ण को कितने प्रिय होंगे, उसमें भी जो ब्रज गोपियां हैं वो कृष्ण को कितनी प्रिय होंगी। इसीलिए ये जो रथ यात्रा महामहोत्सव है, इस रथ यात्रा महोत्सव की इतनी महिमा क्यों गाई गई? क्यों गाई गई? नाता श्रेय प्रदो विष्णु उत्सव शास्त्र सम्मता। अरे शास्त्रों में
श्रेय प्रदान करने वाला, सर्वोत्तम मंगल प्रदान करने वाला, जीवों के लिए रथ यात्रा से श्रेष्ठ और कोई उत्सव नहीं। क्यों? क्योंकि रथ यात्रा में कृष्ण सुदीर्घ विरह में ब्रजवासियों से उनको बड़ा विरह हो रहा है, ब्रज गोपियों से बड़ा विरह हो रहा है। यहाँ ब्रज गोपियां भी कृष्ण के विरह में बड़ी व्यथित है और सब भक्त लोग मिलकर के क्या कर रहे हैं, वो कृष्ण का ब्रजवासियों से, ब्रज गोपियों से मिलन कराने के लिए जा रहे हैं, रथ को खींच रहे हैं। इसलिए कृष्ण लैया ब्रजे जाई ए भावंतर, इसलिए ये कृष्ण का ब्रज गोपियों से जो मिलन कराने का भाव है, इसी कारण इस रथ यात्रा महामहोत्सव की इतनी महिमा है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी जगत में जब प्रकट हुए और विशेष करके जब जगन्नाथ पुरी में पधारे संन्यास ग्रहण करने के पश्चात, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने रथ यात्रा रूपी जो महोत्सव है उसको जो भाव प्रदान किया है वो अतुलनीय है। यही महाप्रभु जी का संपूर्ण जगत को सर्वश्रेष्ठ अवदान, केवल एक को नहीं, जगन्नाथ जी के जितने महोत्सव हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने समस्त जगन्नाथ जी के महोत्सवों को बड़ा विशेष एक ब्रज का भाव प्रदान किया महाप्रभु जी ने। महाप्रभु जी कितने उत्साह के साथ में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को मनाया करते थे। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर और सरस वर्णन किया, कहते हैं आर दिन महाप्रभु भैया सावधान, रात्रि उठे गण संगे कई लोग कृत्य स्नान, पांडु विजय देखी वारे करी लो गमन, जगन्नाथ यात्रा कई लोग छाड़ी सिंहासन। श्री चैतन्य महाप्रभु जी भोर वेला में उठ गए, भोर वेला में, और आर दिन महाप्रभु भैया सावधान, बड़े सावधान होकर बड़े उत्साह के साथ में आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, और रात्रि उठे गण संगे माने अर्ध रात्रि में उठ गए और अपने गण के साथ में कई लोग कृत्य स्नान नित्य कृत्य करके महाप्रभु जी पांडु विजय देखी बारे करी लो गमन। जगन्नाथ जी की पांडु विजय होगी, पहांडी होती है ना, जगन्नाथ जी को उनके सिंहासन से उठा करके रथ पे बिठाया जाता है, इसको कहते हैं पांडु विजय पहांडी। ये पांडु विजय देखी बारे करी लो गमन, जगन्नाथ यात्रा कही दो छाड़ी सिंहासन। यहां से महाप्रभु जी अपने गणों के साथ चले, वहां से जगन्नाथ जी अपने गणों के साथ चले, दोनों अचल जगन्नाथ सचल जगन्नाथ दोनों का मिलन हो रहा है। इधर जगन्नाथ जी के जो बलिष्ठ दैतागण हैं वो जगन्नाथ जी को पहांडी करा रहे हैं, इधर महाप्रभु जी क्या कर रहे हैं, अपने सारे भक्तों को अपने हाथों से माला और चंदन दे रहे हैं। और फिर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को हम किस प्रकार से पालन करेंगे, महाप्रभु जी ने उसको एक भाव दिया, सात संप्रदाय बनाए कीर्तन के, सात संप्रदाय, नित्यानंद प्रभु जी का एक, हरिदास ठाकुर जी का एक, बकरेश्वर पंडित जी का एक, ऐसे करके सात संप्रदाय बनाए, कुरीन ग्राम का एक, शांतिपुर का एक, श्रीखंड का एक, सात संप्रदाय बनाए, सब संप्रदायों में एक एक प्रधान कीर्तनिया और उनके पीछे चार चार पांच पांच पाली गान करने वाले, दो दो मृदंग बजाने वाले, ऐसे महाप्रभु ने स्वयं सात संप्रदाय बनाए, स्वयं सात संप्रदाय। और जगन्नाथ जी के रथ के सामने महाप्रभु जी ने बड़ा उद्दंड नृत्य कीर्तन करना प्रारंभ किया, इतना सुंदर नृत्य है महाप्रभु जी का, इतना मनोहर नृत्य है, और ऐसे ऐसे भाव महाप्रभु जी के कलेवर में प्रकाशित हो गए जिसका श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते करते बड़े भाव विभोर हो गए। अष्ट सात्विक विकार महाप्रभु जी के शरीर में प्रकट हो रहे हैं जब वो जगन्नाथ जी के रथ के सामने महाप्रभु जी नृत्य कर रहे हैं। कैसे अष्ट सात्विक विकार हो रहे हैं, मास व्रण सह रोम वृंद कुल की शिमुलीर वृष जनो कंटक वेष्टित, एक एक दंते कंप देखी दे लागे भय, लोग जाने दंत सब खसिया पड़े, जल यंत्र धारा जनो भय अश्रु जल, आस पास लोग जतो भिजी लो सकल। ये सब अष्ट सात्विक विकार हो रहे हैं संपूर्ण शरीर में महाप्रभु जी के, जैसे शिमुली का वृक्ष होता है उसमें ऐसे कांटे 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 होते, ऐसे सारे पुलक हो रहा है, जैसे शिमुली वृक्ष जैनो कंटक वेष्टित, और एक एक दंतेर कंप देखी दे लागे भय, एक एक दांत महाप्रभु जी का ऐसे कंपन कर रहा है, भाव की क्या दशा हो रही है, लोग जाने दंत सब खसिया पड़े, ऐसा लग रहा है कि एक एक दांत महाप्रभु जी का निकल जाए, और जज्जा गागा गद गद वचन, जगन्नाथ नहीं बोल पा रहे महाप्रभु जी, पूरा जगन्नाथ उच्चारण नहीं कर पा रहे, ऐसी भाव की दशा हो रही है, जज्जा गागा बस इतना ही बोल पा रहे। और जल यंत्र धारा जैनो भय अश्रु जल, जल यंत्र होता है ना पिचकारी, ऐसे पिचकारी की धारा के समान महाप्रभु जी के नेत्रों से जल निकल रहा है, आस पास लोग जतो भीजी लो सकल, जितने आसपास में लोग थे सब भीग गए महाप्रभु जी के जल की धारा से, इतना महाप्रभु जी को क्या हो रहा है, भाव दशा हो रही है।
अब उसका तो कितना वर्णन करें, इसके लिए तो बड़ा दीर्घ समय चाहिए, बड़ी हृदय की सरस भावना चाहिए, तब इन भावों का श्रवण कीर्तन संभव होता है। हृदय की वैसी भावना हो, सरस भावना, सुनने के लिए व्याकुलता हो और निश्चिंतता हो, तब तो बैठ करके इन सब भावों का आदान प्रदान किया जाए, श्रवण कीर्तन किया जाए। हम लोग तो कुछ इन भावों को स्पर्श कर लेते हैं श्रवण कीर्तन के माध्यम से, कि गुरु वैष्णव की कृपा से हमारे हृदय में भी इन भावों का किंचित सा प्रवेश हो जाए। ऐसी भाव दशा में महाप्रभु जी नित्य संकीर्तन कर रहे हैं, कभी तो उद्दंड संकीर्तन करते हैं, सातों संप्रदाय में अलग अलग जाकर पृथक पृथक जाकर नृत्य करते हैं, कभी कभी सातों संप्रदाय में एक साथ जाकर के नृत्य करते हैं, इतना ऐश्वर्य प्रकाशित करते हैं। और जब क्लांत हो गए, महाप्रभु जी ने स्वरूप दामोदर जी को आदेश दिया, स्वरूपेर कहे प्रभु गाओ एक गीत, जहाते आमार हृदय होय तो संबित, कुछ ऐसा गाओ स्वरूप जिससे मेरे हृदय को कुछ सांत्वना मिल जाए है। और स्वरूप दामोदर जी महाप्रभु जी के हृदय को जानकर क्या गाने लगे, सही तो प्राणनाथ पहलू जहा लागे मदन दहने झूरी गए, अरे मैंने राधा जी के भाव में महाप्रभु जी विभावित है, तो स्वरूप दामोदर जी उनके हृदय के भाव को जान करके गीत गाने लगे, सही तो प्राणनाथ पहलू, जैसे राधा जी सुदीर्घ विरह के पश्चात में कुरुक्षेत्र में कृष्ण से मिली, उनके मन के क्या भाव है, सही तो प्राणनाथ पहलू, अरे मैंने अपने प्राणनाथ कृष्ण को पा लिया, जिनके विरह में मेरा तन मन सब जल रहा। और महाप्रभु जी बड़े धीमे धीमे नृत्य करने लगे, इतना मधुर महाप्रभु जी का नृत्य है। जगन्नाथ जी क्या कर रहे हैं, अपने रथ को स्थगित करके अनिमेष नेत्रों से बिना पलक झपकाए, जगन्नाथ जी की पलक है बड़े बड़े नेत्र हैं, जगन्नाथ जी बिना पलक झपकाए, पलक तो है नहीं, बड़े बड़े नेत्रों से श्री चैतन्य महाप्रभु जी के नृत्य का दर्शन कर रहे, अनिमेष नेत्र करे प्रभु दर्शन, अनिमेष नेत्रों से महाप्रभु जी के रथ का, महाप्रभु जी के नृत्य का दर्शन कर रहे। और जब रथ को स्थगित कर दिया तो महा जगन्नाथ जी के रथ को खींच रहे हैं हजारों हजारों लाखों लाखों लोग, जगन्नाथ जी को हजार लाख लोग खींचेंगे जगन्नाथ जी कैसे खींचेंगे, विश्वंभर जगन्नाथ के लिए चलाई दे पारे आपने इच्छाएं चले करीते बिहारे, अरे विश्वंभर जगन्नाथ जी को कौन खींच सकता है, वो तो अपनी इच्छा से चलता। जब महाप्रभु ने देखा रथ नहीं चल रहा है, महाप्रभु जी क्या किया, रथ के पीछे चले गए, छुप गए। तो गुरु महाराज जी कहा करते थे, राधा जी के भाव में जगन्नाथ जी के साथ में महाप्रभु जी अटखेलियां कर रहे हैं, छुप गए, जैसे राधा जी कुंज में छुप जाती है ना, कृष्ण उनको ढूंढते हैं इधर उधर, जब महाप्रभु जी पीछे आगे रथ के, जगन्नाथ जी ढूंढ रहे इधर उधर इधर उधर कहां गए, और लाख लाख लोग खींच रहे जगन्नाथ जी चल नहीं रहे। उसी समय महाप्रभु जी ने अपने मस्तक से जगन्नाथ जी के रथ को केवल छू दिया, रथ धड़ करके रथ जो वो चल पड़ा। ऐसे विभिन्न प्रकार के भाव से महाप्रभु जी इस रथ यात्रा को वो मनाया करते हैं। और केवल इतना ही नहीं, सुनो और केवल इतना ही नहीं, रूप गोस्वामी जी एक वर्ष उस रथ यात्रा में आए, हम लोगों ने सबने सुना है, महाप्रभु जी काव्य प्रकाश का एक श्लोक कह रहे थे, या कौमार सा ए भी बरसता है, काव्य प्रकाश का, साहित्य जगत का, साहित्य दर्पण का एक श्लोक कह रहे थे, कोई समझ नहीं सका, केवल स्वरूप दामोदर जी महाप्रभु के मन के भाव को समझ रहे हैं। रूप गोस्वामी जी उस वर्ष रथ यात्रा में उपस्थित हुए थे, उन्होंने महाप्रभु जी के हृदय के भावों को जानकर राधा कृष्ण की लीला पर ठीक वैसा ही एक श्लोक रचना कर दिया, जिससे महाप्रभु जी के हृदय के भाव जो है वो जगत में प्रकाशित हुए। इसलिए रूप गोस्वामी जी के विषय में क्या कहा गया, श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम जेन भूतले, रूप गोस्वामी जी ने महाप्रभु के हृदय के भाव जगत में प्रकाशित किए। तो ये रथ यात्रा जो है, ये सब रूपानु जनों का जो भाव है ना, जो मूड है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने प्रकाशित किया, इसलिए इन भावों के कारण ये रथ यात्रा और रूपानुगत्य का बड़ा अविच्छेद्य संबंध है। और भी इस विषय में कहने के लिए बड़ा विस्तृत प्रसंग है, ये तो भाव की दृष्टिकोण से भी बड़ा विस्तृत प्रसंग है, इसमें नाना प्रकार के भाव है। और हमारे गुरुदेव शिला भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, उन महापुरुष की बड़ी अद्भुत महिमा भाई, ये केवल हम ऐसे शब्दों से ही नहीं कहते, जब भी हम गुरु जी की कथा सुनते हैं किसी भी उत्सव में किसी भी प्रसंग में, शास्त्रों से ऐसे सुंदर सुंदर विचारों को निकाल करके स्वयं प्रश्न उठा करके उनका उत्तर जो गुरु पाद पद्म प्रदान करते हैं अतुलनीय है। यदि समय होता तो हम लोग बतलाते कि गुरु महाराज जी इस रथ यात्रा के विषय में क्या क्या विचार बतलाया करते थे। दो प्रकार से महाप्रभु जी के गण रथ यात्रा का अनुष्ठित करते, दो प्रकार से, एक प्रकार का भाव
साधारण भाव है, एक प्रकार का भाव श्री चैतन्य महाप्रभु जी रूप गोस्वामी जी उनके गणों का हृदयगत भाव है। ये सब हमारे गुरु महाराज जी बताया करते थे। समय का अभाव होने के कारण इन सब भावों को स्पर्श करने की इच्छा तो बहुत होती है, किंतु समय के अभाव के कारण हम यही विश्राम देंगे, अभी और भक्त लोगों में वर्णन करेंगे। गुरु जी के चरणों में यही प्रार्थना हो, कभी ऐसा अंततः सुयोग आए कि हम गुरु जी के हृदय के इन सब भावों को बैठ करके निश्चिंत हृदय से, सरस हृदय से इन सब भावों को जानने सुनने समझने की चेष्टा करें। बिना इन भावों को जाने सुने रथ यात्रा में रथ को खींच भी लेंगे तो सुकृति संस्कार होगा, निसंदेह सुकृति संस्कार तो होगा, बहुत मंगल होगा, किंतु यदि इन सब भावों को जान सुन समझ करके, अंततः बुद्धि से तो जान ले, थोड़ा सा इन भावों को जान सुन समझ करके जब रथ यात्रा में रथ खींचेंगे, जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के सामने कीर्तन करेंगे, तब तो फिर इस रथ यात्रा महोत्सव में जो परम मंगल है उसकी हमको बड़े सहज रूप में प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए भाई इन भावों को जानना सुनना समझना, इन विचारों को, इन सिद्धांतों को जानना सुनना समझना बड़ा आवश्यक है। बिना उसके प्रभुपाद जी कहा करते थे केवल कसरती भक्ति हो जाएगी, केवल कसरती भक्ति। प्रातः काल से संध्या तक बस दौड़ रहे हैं, इधर कुछ कर रहे हैं उधर कुछ कर रहे हैं, किंतु यदि भावों का इन भावों में इन विचारों में इन सिद्धांतों में यदि प्रवेश नहीं हुआ तब तो ये बस कसरती भक्ति हो जाएगी। प्रभुपाद जी कहा करते थे कसरती भक्ति नहीं करनी है, भावों में विचारों में सिद्धांतों में प्रवेश करना है, तब तो प्रत्येक उत्सव प्रत्येक अनुष्ठान हमारे लिए बहुत विशेष फल प्रदान करने वाला हो जाएगा। गौर प्रेमानंदे हरि जी।